अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद अरुष। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, इसमें हम बनाएंगे मसालादार अरवी। तो अरवी का मसालादार सालन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने अरवी ली है 1 किलो के करीब, और इसे मैंने लंबाई में काट लिया था, और उसके बाद मैंने इसको नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था, और अब इसे अच्छे से वॉश कर लिया मैंने। 7 से 8 मैंने प्याज लिए हैं और इन्हें मैंने चॉप कर लिए। हसब ज़रूरत नमक, गरम पिसा हुआ मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर भी 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने ली है 4 अदद हरी मिर्चें साबुत ही, और साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट है। 3 टमाटर थे बड़े, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, सब्ज धनिया कटा हुआ, लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस 1 टेबलस्पून। तो ये खाने में बहुत मज़ेदार और इसे बनाना भी बहुत आसान है इस रेसिपी को। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है। जी तो सबसे पहले हम अरवी को फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और ऑयल हल्का गर्म हो चुका है। अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल में अरवी डालेंगे तो ये छींटे हमारे ऊपर ही पड़ेंगे घी के, तो इसलिए हल्के गर्म में ही हम सारी अरवी को ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो लेस सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और फ्राई करके पकाने से ये बहुत मज़ेदार बनती है। जी तो हल्की आंच पर हमारी अरवी फ्राई होना शुरू हो चुकी है। इसे मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जी तो अरवी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, ये देखिए आपके सामने। बस इसे हम थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर दे लेंगे, और इसके बाद हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से इसे फ्राई करना है, ताकि इसकी जो लेस सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये आपस में चिपके ना। जी तो अरवी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। सारी निकाल लूंगी। ये तो सारी अरवी मैंने प्लेट में निकाल ली है, इसको अब हम कर देंगे साइड पे। ऑयल मैंने कढ़ाई में से थोड़ा सा निकाल लिया और बाकी मैंने बचा लिया, जिसमें हम बाकी के मसाले को तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, साथ ही हम ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट, साथ ही ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज, प्याज को मैं 1 मिनट तक फ्राई करूंगी अच्छे से। ये तो प्याज को फ्राई होते 1 मिनट हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटे हुए टमाटर, साथ ही इसके मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तमाम मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। जी तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। जी तो तमाम मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब फ्राई की हुई अरवी मैं इसमें ऐड करूँगी, साथ ही इसके मैं ऐड कर दूँगी लेमन जूस,
और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारी फ्राई होते भी पक चुकी थी तो अब मज़ीद इसे हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखूँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से गल जाए। अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। लेमन से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा और खाने में ये बहुत मज़ेदार बन जाएगी, चटपटी सी मज़ेदार सी। तो ऊपर से अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। जी तो अरबी का सालन पक्के हमारे बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये अच्छे से पक चुकी है। अब मैं ऐड करूँगी कटा हुआ सब्ज़ धनिया और साथ ही जो 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें रखी थी इनको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। ये तो मसालेदार अरबी पक्के हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। जी तो मसालेदार अरबी का सालन पक्के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ अपने मेज़बान अरूश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।